बैठ कर लो अपने कच्चा, क्योंकि अपन चलने वाले हैं पापा की परियों के शहर में, जहाँ पर पापा की परिया स्कूटी को चलाती नहीं है, ना 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 ना, वो स्कूटी को उड़ाती है, घुमाती है, फिर लोगों को ठोक देती है। यार सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। तो यहाँ पर हमारी दीदी जा रही है, सीधी जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और जाके नाले में गिर गई। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो यार तुम लोग हंसो मत, यहाँ पर गलती दीदी की नहीं है, यहाँ पर गलती है मोदी जी की। अब हमारी क्या गलती है इसमें? अरे मोदी जी आपको सीधा रास्ता बनाना चाहिए, ये क्या बात होती कि आप टेढ़ा रास्ता बना देते हो। हमारी दीदी कभी भी यहाँ पर टेढ़े रास्ते से नहीं जाती, वो सीधे रास्ते से जाती है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बना के। आपका ये पूरी दुनिया भी चाहे ना, फिर भी नारी को सीधा जाने से नहीं रोक सकती मोदी जी। चला जाओ वरना मार मार के कुत्ता बना दूंगा। और तुमको तो पता है अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार कितनी ज्यादा ताकतवर होती है, उसको ना तो हाथी तोड़ पाता और ना ही ट्रक तोड़ पाता है। लेकिन 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 हमारी दीदी की स्कूटी की पावर ये नहीं जानते। फिर क्या था, हमारी दीदी ने भी दिखा दिया नमूना। बांगर सीमेंट की भी फाड़ दे, वो है स्कूटी वाली दीदी। देखा हमारा दीदी की स्कूटी का कमाल, यहाँ पर अंबुजा सीमेंट क्या देश की नंबर वन से नंबर वन सीमेंट लगा दो, लेकिन हमारी दीदी को यहाँ पर दीवार तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता माय लॉर्ड, कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर हमारी दीदी स्कूटी को लेकर आती और 20 सड़क के अंदर, देख रहे हो 20 सड़क के अंदर स्कूटी को रोक के जाती और अपनी सहेली से जाके मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करती है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि ये सड़क है तुम्हारी बाप की रोड नहीं है कि कहीं पर भी स्कूटी खड़ी करके जा रही हो। अरे मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियसली हो गए मैडम। सॉरी सॉरी मैं जा रहा हूँ मैडम, मेरे को स्कूटी से मत ठोकना मैडम, सॉरी। बस हवा निकल गई। और यहाँ पर देखो हाथी महाराज हम जैसे लोंडो को बेचारों को डरा डरा के भगा देते हैं, लेकिन 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 हाथी महाराज की भी यहाँ पर फट जाती है जब उनके सामने हमारी स्कूटी वाली दीदी आती है। अरे दीदी, अरे दीदी दीदी दीदी, अरे बच गया, अरे बच गया, आज मैं बच गया भगवान, वरना ये दीदी तो हमको कुछ चली डटी भाई साहब, वो तो गणपति बाबा के हम भक्त है, उनके व्रत रखते तो उन्होंने राज रख ली और हमको बचा लिया। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जंगलों के अंदर इन दीदियों को ना आने दे, हम कहाँ पर जाएंगे, हम सड़क पे नहीं चल सकते, हम जंगलों नहीं चल सकते, हम से भी नहीं है मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आखिर। हमारी भी कोई जिंदगी है यार, कोई भी कुचल के चला जाएगा, हमारे भी छोटे छोटे बीबी बच्चे है यार, कुछ तो देखो यार, कुछ तो देखो यार, मम्मी बचा ले रे। तो भाई साहब इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि एक बार यमराज के भैंसों को भी देख के मत डरना, लेकिन सामने से आती हुई दीदी की स्कूटी को देख के 100 किलोमीटर दूर निकल लेना, वरना ये दीदी तुमको इस धरती से ही गायब कर देगी। अच्छा बात नहीं है। मैं पर एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिसको देख के भाग जाए। क्या बात है, क्या बात है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिसको देख के डर जाए जब सामने से दीदी की स्कूटी आए। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो यार आज का वीडियो यही तक था, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 1 लाख कमेंट हो जाएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं स्कूटी लेके आऊंगी और फिर